नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण। आपको बता दें कि इलाहाबाद हरियाणा की सबसे हॉट सीट है और यहां से 4 बार के एमएलए चौधरी अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। जहां अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं का दायित्व दिया था कि इलाहाबाद आप संभालो, मैं हरियाणा संभालूंगा, उसी चुनावी सरगर्मियों में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कांता चौटाला जी आज गांव में हैं और हमारे साथ यहां जब ढाणियों का दौरा हो रहा है तो गांव रामपुरा बगड़िया से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम बातचीत करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी चुनावी मैदान में हैं जहां विधायक जी चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा देख रहे हैं, आप इलाहाबाद की कमान संभाले हुए हैं, गाँव में जा रही है, क्या कुछ माहौल है? माहौल यहाँ का बहुत एक तरफा है और इलाहाबाद की जनता ने भरोसा दिलाया अभय सिंह जी को कि आप बाकी हरियाणा संभालिए, इलाहाबाद हम पे छोड़ दीजिए, इलाहाबाद हम लोग संभालेंगे। तो इससे अभय सिंह जी निश्चिंत होके बाकी जगह घूम पा रहे हैं। आप एक महिला हैं, ज्यादातर महिलाओं से मुलाकात हो रही है, किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं? भविष्य में अगर लोग आपको मौका देते हैं, क्या ऐसी समस्याएं हैं जिन पे काम करने का कमिटमेंट आप कर रही हैं? सबसे ज्यादा समस्या तो बेरोजगारी की आ रही है कि सरकार ने रोजगार नहीं दिए बच्चों को। तो हमने कमिटमेंट करा है कि जैसे ही आप इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनाओगे तो जो 2 लाख नौकरियां हैं सरकारी खाली पड़ी हैं, सबसे पहले वो नौकरियां भरने का काम करेंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, साथ ही साथ बुढ़ापा पेंशन, जिसे आज जब हम गाँव में जाते हैं तो महिलाएं इतनी खुश होती है कि हमारी पेंशन 100 रुपए टाउन ने बांध दी थी, हमारी पेंशन टाउन ने बांध दी थी, आज बेशक 3,000 है पर शुरू उन्होंने करी थी। तो उनको जब हम कहते हैं कि 7,500 करेंगे, वो कहते बेटा 7,500 कर दोगा तो माना न्याली कर दोगा, माना घर में 15,000 रहा होगा, माना और कहीं चाहिए, भी बच्चों नौकरी रख जाए और माना 15,000 आ जाए तो माना और कहीं चाहिए। एक बीजेपी की 10 साल की सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और आप हरियाणा की अग्रणी महिलाओं में गिनी जाती है, उसको आप कैसे देखती है? देखिए, नारा जरूर उन्होंने दिया था लेकिन ये सारी सबको पता है कि सबसे ज्यादा अत्याचार जो है बेटियों पे हुआ था। एक मध्य प्रदेश में बनारस यूनिवर्सिटी की लड़की से रेप हुआ था और वो करने वाले बीजेपी के लोग थे और वो मतलब वहां से मध्य प्रदेश गए थे चुनाव प्रचार में, जब तक चुनाव प्रचार चला उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बाद में जब लोगों ने आवाज उठाई तब उन पे कार्रवाई हुई। दिल्ली में जो पहलवान बेटियों को घसीटा गया सरेआम, वो भी सारी दुनिया ने देखा है। और आज अगर मैक्सिमम रेप के केस के जो आरोपी हैं वो बीजेपी के लोग हैं, कि वो हाथरस की बेटी हो या रातों रात किसी बेटी का जबरदस्ती दाह संस्कार करवा देना कि ये बात ज्यादा ना फैले, ये सारे बीजेपी की सरकार में ही हुए हैं ये काम। जहां जहां बीजेपी की सरकार थी वहां वहां हुए ये काम। आप डब्बा वाले से लेके इलाहाबाद तक आई हैं, बीच में अर्जुन चुनाव लड़ रहे हैं, वहां आपकी जिम्मेवारी बड़ी है डब्बा वाले में, तो क्या कुछ देखते हैं सिरसा की राजनीति को? सिरसा की राजनीति में पांचों सीट जो है वो हम गठबंधन में जीत रहे हैं, पांचों। डबाली क्लियर है, इलाहाबाद क्लियर है, रानिया क्लियर है, सिरसा भी क्लियर है और कानाली में जो है वो हमारी, क्योंकि अभी मैं 2-3 दिन कानाली में जा रही हूँ तो लोगों ने भरोसा देता है कि जी अब आप दोबारा बेशक काला माली मत आओ, ये हम यहाँ से जिता के भेजेंगे। मैडम, एक अंतिम सवाल है मेरा, इस क्षेत्र में जहाँ आप घूम रही हैं, पीछे हमने कई बार आपसे मुलाकात करी है, यहाँ बेटियों की शिक्षा को लेकर बड़ी समस्याएं हैं, भविष्य में अगर आपको ताकत मिलती है क्या उसको पूरा किया जाएगा? वो पूरा किया जाएगा। मैं भी परसों तो किसी गाँव में गई थी तो मेरे से एक बेटी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि भाई आप क्या करोगे महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए, यंग लड़कियों के लिए। तो मैंने उसे बोला कि बेटा सबसे पहले तो जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं आप ही के पास आऊंगी जिसने मुझसे सवाल पूछा था, और मैंने कहा आप लोगों से ही सुझाव लेंगे हम कि आप लोगों को क्या सहूलियत चाहिए सरकार से बेटियों को, क्योंकि जब वो अपनी परेशानी बताएंगी फिर हम उसके लिए कुछ काम करेंगे, वो ज्यादा उनके लिए कारगर होगा, ज्यादा फायदेमंद होगा, ना कि हम अपनी मर्जी से कोई स्कीम उन पे थोपे। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े ये थे हमारे साथ श्रीमती कांता जी चौटाला जो यहाँ चौधरी अभय सिंह चौटाला के चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। आपको बता दें 5 तारीख को चुनाव होने हैं, ये राजनीतिक कूट किस करवट बैठेगा, ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहें बेधड़क हरियाणा न्यूज। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ, धन्यवाद।